इमें बहुत महतारी ऐसनों बाड़ी जे कहली कि बाबा हमार बेटा तो भरत हव, हमार बेटा राम से कमजोर ना बरे, हमार बेटा सरवन हमें ये सरकार। लेकिन आज वही बेटा के नाम हम वही बेटा के चर्चा बोले जाता नहीं जौना लड़का के नाम श्रवण कुमार है। इमें बेटा तो सब पैदा कैले बा लेकिन बेटा के लीला तो बड़ा अजीब बा। वीरेंद्र बाबा ये बार बार कहले नारी के खाना और साड़ी हजार बा, आज ये 9 महीना ढोल ओके लुगरी मोहाल बा, मेहरी के कहले परमाई के मारे खातिर बेटा लाठी लेके तैयार बा, आ कलजुग के बाबू लोग के ध्यान धरम आई हो कि ये जुग के बेटा लोग के ये व्यवहार बा। एक बात बताए, यहाँ जितनी माँ बैठी हैं, जितना महतारी दर्द से अपना बेटा के पैदा कैले बा उतना दर्द कहीं और सही। दू जगह दर्द होला, जन्मत मरत दुसह दुख होई। बड़ी गौर से सुनिएगा आप ध्यान से। अब हम कथा बोल रहे हैं। लड़का एगो पैदा करे के टाइम में 10,000 बिछी के टाण के दर्द होला। जे बच्चा पेटे में से पैदा कैले बा उसे पूछल जा कि तोहरा कितना दर्द भइल है तो दर्द के बता सकेले, क्यों बता पाई? अरे महाराज वो दुसह दुख है ना, तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। एगो बेटा पैदा कैले में महतारी के यह बुझाला कि भगवान कोनो तरह से शरीर छोड़ाव, या तो हम बच जाई नहीं तो बाबू हमार बच जा, इतना दर्द है। आ जहिया जमराज प्राण लेके जाए लगी है तहियो इतने दर्द होई, कितना जहिया पेटे में से बच्चा पैदा कर जला। आज हम माई के बेटा के कथा बतावे जाता नहीं, हमारा जीवन के सुपर स्टार कथा आज बा। जितना प्रवचन हम करी लेना 3 गो दिन और कथा बा, काल परसो नरसो। लेकिन आप लोग कथा को आज समझ करके बताइएगा कि वीरेंद्र बाबा आज आपने कथा में क्या डाला। कोनो महिला के पेट में बच्चा बा, ए बैठा नहीं बाबू को बैठा नहीं, तने हल्ला कम कर लो ना, सुनो। इमें जितना लोग बा सब एगो बच्चा दूगो बच्चा वाला माता बैठी है, बहने बैठी है, बेटियां। लेकिन मैंने कल बताया था छोटी लड़की कोई है तो मैं बेटी मानता हूँ, और नौजवान कोई लड़की है तो मैं उसे बहन मानता हूँ, और माँ तो माँ होती है। समझ करके थोड़ा कथा को समझने का प्रयास करोगे कि आप वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। रौरा पेटे में डिलीवरी बा, चाहे जेकरा पेट में लड़का बा, आ जहिया बच्चा पैदा होके के बाद अस्पताल में लेके चली हाटा चाहे देवरिया चाहे गोरखपुर, अस्पताल में जाई या डॉक्टर बोल दे कि 2 में 1 के बची, या तो लड़का बची ना तो तुहार पतो ही बची, तो घर वाला के बचावे कही है, ससुराल वाला किनको बचाएंगे? तुरंत बुढ़ियों कही पतो ही बच जाए, डॉक्टर साहब पतो ही रही तो बेटा हो जाई, बुढ़ो कही पतो ही बच जा, जौन मर्द शादी करके ले आये बहु कही मेहरारू बच जा, मेहरारू रही तो लड़का हो जाई। लेकिन वो माई से पूछल जा जौने के पेटे में बच्चा बा दर्द होता, वो माई से पूछल जा कि 2 में 1 के बची, या तो तू बचबू ना तो तुहार बेटा, तो माई के बचावे कही? ईमानदारी से बोलिएगा, अपने को बचने को कहेगी कि बेटा को? महतारी कबो ना कही कि सरकार हमके बचा ली, पत्थल के करेजा अगर माई के होई ना तो माई तुरंत कही डॉक्टर साहब हमरा बाबू के बचा ली, हम मरियो जाए तो एगो नाव रही कि महतारी एगो बेटा पैदा करके गई बा। आज अगर बेटा है, बेटा अगर मर जा, आज के बाद हमरा बच्चा ना होके तो जवार में लोग कह दी कि बझिनिया जान के बेटा मुआ दिया। माई बदनाम होई कि ना? हम एक दिन बतौले रही 3 गो चीज आवेला, दुआरे पर जब बेटा आई है ना तब बाप कहीं आ गई ला तो कहीं आ गई ली, बाप कहीं आ गई ला तो कहीं आ गई ली। आ माई अगर बैठल बा तो कही बाबू गए ला कुछ खैला हव, बेटा के माई का पूछे ले? खाइल पूछी। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं गौर से सुनिएगा, बेटा के माई खाइल पूछी कि गई ला कुछ खैला हव, बाप कहले आ गई ला, आ माई कहतिया कुछ खैला ह, आ पर्दा उठा के भीतर जाई हैं तब मेहरारू कहतिया कितना कमैला ह। हमर बतिया बुरा नहीं लगता? अरे मैं कई जने बैठल हो लोग भीतर है, अब कहीं है बाबा ई का शुरू कर देल। ईमानदारी से बोलिएगा, माई कबो बेटा के कमाई जो ही जोएगी, 5 गो गड्डी ले आके 5 करोड़ रुपया माई के दे दे बेटा, तो माई कबो बेटा के रुपया मिलाई?
जे तर देले बने वही तर धो दी। अब बेटे खोली तो पैसा मिलाई गनी, अब मेहरारू को लग चल जाता ओ नहीं गनी। हाँ पैकौली के पतो लोग बतावे घुगुट वाली तो लोग तैसे मतलब राखत नहीं हुए लोग। बड़ी बड़ी लीला बनाई एक दिन कहली जियते अपने सासू के क्यों नहीं कहता है अम्मा जी घर में रोटी बखा ली तन चली चाय पी ली ले आई पिठिया मल के नहवा दी आ बूहे बुढ़िया जब मरे जातिया तो मुड़वारी बैठ के जाके कही अम्मा जी चिन्ह तानी हमरा मझली पतोई है यो दादा। अब इनके चिन्ह मझली है चिन्ह मझली पतोई है इहो तक नहीं हो उमरे के बेरिया ये करे खातिर नहीं रोवती अभी रोवती चाबी कहाँ धैले बाड़ू दो तनी खोली को गो बाप बक्सा में स्वार्थ लाई करे सब प्रीति असुर नरमुनि सब की यह अपने क्षेत्र की बात मैं बोल रहा हूँ जहाँ के रहने वाले हम हैं आप लोग भी वहीं के हैं। हम बार बार कहिले कि काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो खोता छोड़ के जाए के परी एक दिन धैले ना धराई कहाँ बाड़े माई बाप कहाँ बाड़ी काकी पालल सुगना एक दिन उलटी के न ताकी कहाँ बाड़े माई बाप कहाँ बाड़ी काकी तोहरा खोली लोग पहिरल लिंगोटा हो तोहरा खोली लोग पहिरल लिंगोटा हो खोता छोड़ के जाए के परी सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए होता छोड़ के जाए के परी।
अगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो खोता छोड़ के जाए के परी। अच्छा आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं एकर गारंटी बागी बिहने के रही कहो माइक हमरा मुहे पर लगल बा कोई गारंटी है कि पूरी कथा हो जाएगी। एक सेकंड के मेहमान हम लोग हैं और दादा शाही कितना है अबे गांव में केहू बोल दे तुरंत कहीं मार दे धुआं फेंक देब अच्छा जे मारे के कहता ऊ नहीं धुआं फेंकी नहीं फेंकी हो जे जे दूसरे के बर्बाद कैले में पड़ल पहले वही बर्बाद हो गया महाराज। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जीवन में अगर किसी की भलाई नहीं कर पा रहे हो तो बुरा करने का प्रयास मत करना। अगर किसी को दे नहीं पा रहे हो तो उसका निंदा भी करने का प्रयास। बोलो सच्चे दरबार की। अब रउरा श्रवण जी के कथा सुने जाता नहीं पहले रउरा ही बताई श्रवण के माई बाप अंधा रह कि नीक रह। श्रवण के माई बाप अच्छा रह। श्रवण के माई बाप आन्हर ना रह। आप प्रमाण के साथ कथा को सुनिएगा। महतारी बाप आन्हर बनल है बेटा खातिर परिवार खातिर। अबे कोनो बेटा अस्पताल में भर्ती हो जा तो माई तुरंत कही कि हमार खून निकाल के बाबू के चढ़ा दी। महतारी कबो बेटा के अनभल ना है पूत कुपूत हो सकेला लेकिन माई कुमाई कबो ना होई। श्रवण के महतारी बाप अयोध्या के रहे वाला रहे। कथा सुनिए वही परिवार से वही अयोध्या से इस सारा व्यवस्था आपके सामने हम डाला तनी। बैठल जा बैठे के आज कैसे मन पड़ गए पगरा पांच कोस बटलो न बा अकनत चलत रहल उनकी कथवा होता कि नहीं होता। बैठ जा बेटा बैठ जा बैठा बस सजीन के चारों अपने हमें चल निक बा। हाँ पांच छो गो न रहे तो ले कहां मजा। बोलो शंकर भगवान की जय। बच्चे बेजाए नहीं महाराज हमरा तो एक गो नाती बा घर भर के प्रसान करेला। अब तो गोरखपुर पूरा परिवार है हम ही या श्रीमती जी बानी जा मन करी तो चटनी और रोटी खा ले जा कोनो बुझाए के लेके। हाँ कोनो हल्ला नहीं बा। नाती बेटा लड़की बच्चे सब हमारे गोरखपुर रहते हैं मकान पर लेकिन आज वर्तमान में ठाकुर जी का कुछ आशीर्वाद है जो आप लोगों के बीच में जो ये कथा वीरेंद्र बोल रहे हैं ना हम इतना ही चाहते हैं कि जो हम शब्द बोले उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। ठाकुर जी ने मुझे जो भी दिया है चाहे लड़का हो या बहू हो नाती हो नतनी हो औरत हो हमारे प्रेमी जितने लोग हैं मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मन से भी मेरा चाप करके बोलता हूँ कि महाराज परिवार तो सब ने जोता है लेकिन हमारा परिवार बहुत बढ़िया है इसमें कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा ताली बजा लो बढ़िया रहना। मर्द अपने मेहरारू का बड़ाई बतियावे लगे तो बुझो हमके कान आई मिल गए। ये युग में केहू बड़ाई बतियावे वाला बान आए अब मैं भीतरे साय पुस होत होई शुरू हो गल कि नहीं। सब लोग सबके पति अच्छे रहे जो भला बुरा मिला है ना उसी से काम आपका है। वो कैसनो होखे कल बतौले रही परसों हम कथा में 1 लाख बुरा अपना पति हो ना तो आपके काम आपका पति आएगा महाराज। दुनिया में सारे बड़े सुंदर लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं बड़े धनी लोग हैं लेकिन आपके परिवार के ही लोग आपके कामे आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रवण के महतारी बाप अयोध्या के रहे वाला रहले आ श्रवण के माई बाप के आंख टनाटन बा आंख में कोई गड़बड़ी नहीं था। श्रवण के महतारी बाप ही विचार बनौले कि एक पन बीत गल दू पन बीत गल तीसरा चौथा दशरथ जी के चौथा पन में बेटा भइल रहले। कौन पन चौथे पन आज चौथे पन की कथा मैं बताने जा रहा हूं। श्रवण के माई बाप विचार कहले कि गुरु वशिष्ठ के दरवाजा पर चलल जा। दशरथ के जहिया पुत्र ना रहले काल सोहर मंगल गौली ना काल तभैल ना ए बाबू के बोलत है जू सीताराम बैठो ना कायदे से लाइन में बड़ा वही पार जाओ पार एक हल्का लोग एजु ताक ना बा। हाँ बोलो सच्चे दरबार की जय।
श्रवण के महतारी बाप जैसे हमरा दशरथ जी गए गुरु गृह गयाऊ तुरंत मही पाला आ चरण लागी करो विनय बिसाला सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ आ कही वशिष्ठ बहु विधि समूह दशरथ जी निवेदन कैले त कल चार पुत्र भइले कि नाही को को भइले कल गौले रहली सोहर न अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म सुनी हे ललना माना हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हे जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभये ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी हे परमानंद पूरी माना राजा पूरी मान हे ललना कहा बुलाऊ बजावहू बाजा पूरी मन हे बोलो अयोध्या धाम की जय। काल भी कथा अयोध्या के थी और आज भी अयोध्या से कथा है। श्रवण के महतारी बाप श्रवण के माई के नाम है चंद्रकला। गौर से सुनेंगे आप वो तो बाबा लिखे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता चाहे जिनका जो भाव आता है वही नाम रख देते हैं। श्रवण के माता का नाम चंद्रकला और पिता का नाम उद्धव ऋषि। इनके माता पिता बुजुर्ग हो गए थे। श्रवण के महतारी कली के जी यही तरह बिना बच्चा के रह जाई अयोध्या में निसंतानी बन के रह जाई तो कहले का कही जा कली की चली गुरु वशिष्ठ जी से राय लिहल जा। गुरु वशिष्ठ के दरबार में गई लो गुरु जी के प्रणाम करके श्रवण के महतारी बाप कहे लगा लो कि महाराज आज ले हमारा बेटा ना भैले हम लोग निसंतानी रहे। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि चंद्रकला एक बात बा बेटा बेटी हम लिखी लेना अगर बेटा के पता करे के बाद तू ब्रह्मा जी से निवेदन कर लड़का के लिखेला नहीं क्यों जानता दुर्गा जी ब्रह्मा जी अरे बोला ना करो ऐसा आप लोग बहु के तरफ से बैठोगे तो कैसे बोल पाएंगे हम बोलने का प्रयास करो ना। सृष्टि का निर्माण कौन करते हैं ब्रह्मा जी पुत्र लिखत है ना लिखत है केकरे हाथ में बा ब्रह्मा जी के। गुरु वशिष्ठ जी कहले कि जाके जंगल में तपस्या कर ब्रह्मा जी के बुलाव। ब्रह्मा जी बता दी है कि तोहके बेटा लिखल बाकी। श्रवण के महतारी बाप जाके जंगल में तपस्या करे लगल लो जो ने महिला के वो बेटा ना बा बच्चा उसे कह दिया जा कि चल जो ते बनारस में एक जने पंडित जी बाणा बता दी है तो तुरंत बच्चा हो जाये तो महिला जाये कि ना जाये भले गरीब बाई महाराज गवा के जाये लेकिन भगवान से निवेदन हम ही करे जेकरी घरे गो औलाद ना भइल बने ई कथा प्रेम प्रेम से सुने चूंकि हम श्रवण की कथा बताने जा रहे हैं। श्रवण की कथा में मेरा छाप क्या है बोलो सच्चे दरबार की। जंगल में जाके दोनों हाथ उठा ले हल्लो ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः। श्रवण के महतारी या श्रवण के बाप दोनों जानी तपस्या करत हलो लेकिन बाबा ये से भाव बतौले अरे हाथ जोड़ी पूजी ले अरे चरणमाए बाबा ओम ब्रह्माय नमः आ हमरा के दे दी दर्शनवाए बाबा हमरा के दे दी पुकारी सुन के ब्रह्मा जी आईली पुकार सुन के ब्रह्मा जी आईली
कहले बीरेंद्र जी कथनवाए बाबा, कहले तिवारी जी कथनवाए बाबा, हमरा के दे दी दर्शनवाए बाबा। बोल दी ब्रह्म देवता की, ए बाबू ब्रह्मा जी चार गो मूड़ी लेके खड़ा हो गई। ब्रह्मा जी पूछनी काहे बोलौला हो गए। चंद्रकला कहली बाबा रौरा के बहुत दिन से तपस्या करतनी, आज भेंटे हो गई रौरा, आ गल बनी तो पहले पैर अपन छुआई हमने सा। मर्द मेहरारू दूजे ने गोड़ लागल लो, आ गोड़ लगला के बाद कहल लोग सरकार पहले रौरा से ये निवेदन बा, आप सृष्टि के निर्माण करी ले, हर व्यवस्था रौरा हाथ में बा, के का लिखले बानी तनी बताई कि हमरा पुत्र लिखल बा कि ना। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, एक तो बेटा लिखल ही नहीं की। अच्छा तो जो ना लिखल बा वो हो जाई, कहो होई कब? जब भगवान के तपस्या अटूट होई तब। देख ध्यान दे भी जो बतावे जाता नहीं। ब्रह्मा जी अपन रजिस्टर निकाले, आ रजिस्टर निकाल के कहले कि ये चंद्रकला अगर हमरे के हमरा के तपस्या कैले बड़े लोगे, और दोनों जनी बोलोले बड़ा जा, तई हमरा रजिस्टर में तोहके बेटा लिखल ही नहीं कि तोहरा बाजनी रहे एक बा। चंद्रकला ब्रह्मा जी के गोड़वा पकड़ के रोवे लगली, कहली बाबा अरे मरियो गैला के बाद हमरा नाम पर लोग अब का कही हम, कोनो तरह से कोनो उपाय करी एगो बेटा हमरा हो जा। ब्रह्मा जी कहले एगो शर्त बा, मनबल होगा कि ना? उधो ऋषि कहले मानव, कहले शर्त यह बा तोहके बेटा एगो लिख सकीली दे सकीले, चौथा पन चलता तोहके पुत्र दे, लेकिन दोनों आंखी के टनाटन बड़ा लोगन पहले हमरा से वादा कर, जहिया लड़का धरती गिरी तहिया से अंधा बने के बा, आन्हर बन के रहे के बा। अच्छा तो माई तैयार हो जाएगी ना? नहीं तैयार हुई। चंद्रकला कहली बाबा जब हमरा संतान खातिर आन्हर बने के बा तो इहो हमरा मंजूर बा, लेकिन एगो बेटा दे दी। अरे बेटा तो माई के ऊ दशा करतने भगवान के कृपा का कही, अपनी कान से सुना तनी कि बेटा माई के गाड़ी देता, कंजनोरे यहाँ पैकौली में चलता कि नहीं हम देखा तनी ना, जौनी तन से बेटा पैदा भइल बा वो तन के गाड़ी देता। मर्द अपने मेहरारू के गाड़ी देता तो गाड़ी कोनो बड़ा महंगा ना बा। ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ। हस्बैंड अपनी औरत को गाली दे दिया, माधर चोट चाहे बहन चोट चाहे ऐसा शब्द बोल देता है ना, तो कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन बेटा जिस तन से पैदा हुआ है अपनी माँ को गाली दे वो पूत है, उसको बेटा कहेंगे? कहली की सरकार हमके कोनो तर से एगो बेटा दे दी, आ जौने तर से कहबो तरह तैयार बनी। ब्रह्मा जी कहले तोके पुत्र लिखा तनी रजिस्टर में चढ़ाव तनी, लेकिन जहिया लड़का धरती पर गिरी तहिया तो लोग के आन्हर बने के बा, अंधान नहीं बन के रहबा लोगे। एगो कमल के फूल दहले कहले फूल ले आके प्रसाद, चंद्रकला के कहले प्रसाद पाली हा, तारा घरे नौवा महीना में तोरा पुत्र हुई। ले आगे फूल बड़ा प्रसाद से पौली, भगवान से निवेदन कैली कि ब्रह्मा जी राउर कृपा बागी हमरा पेट में गर्भ बाब हमरा बेटा होई। लेकिन श्रवण के पैदाशी जहिया होके रहल तो श्रवण के माई कहली कि पहले आई हमरा लग भाव हम देली ना, बड़ी सुंदर सुंदर भाव बाग, कितना गीत हम गाई माई के ममता के कितना बड़ाई करी, एक लाइन बजा ले बाबू। अरे माई के ममता, माई के ममता न किनले किनाई, आ सब कुछ मिली है बाकिर मिली नहीं माई, सब कुछ मिली है के ममता।
के ममता नकी नले की नाई सब कुछ मिली है बाकिर मिली नहीं माई संसार में सब कुछ मिल जाएगा। तीन गो चीज हमनी के जीवन में एक बार मिलेला, अपनी माई के लेखा कहीं माई ना मिली, अपनी भाई के लेखा कहीं भाई ना मिली, अपनी पिता के लेखा कहीं पिता। बड़ा भाग से ही कुल मिलेला। एगो लड़की अपने नैहर में गई, ओकर बाप मरल रहले, बाप मरल रहले, त एक गो भाई या एक गो बहिन रहले। हमारी शरीर से भी एक के बेटी मेरी है, पर साली शादी रायल मेरे झाल में हुआ, यही होटे से देवरिया मेन सदर में शादी हुई। लेकिन लड़की का जीवन अब कितना हम बड़ाई करें। बेटी जब अपना नैहर में गई तो ओकर बाप मरल हले, अब भैया के पकड़ के लड़किया पहले फूट फूट के रोवल। भैया बड़ा समझौला, चल मर गए हम बानी ना, लेकिन बापे के दाह कबो भाई पूरा दी, पुराई बापे के दाह कबो भाई पूरा दी, अब माई के दाह कबो भौजाई पुराई है। हमें बहुत भौजाई बैठल बड़ी, अगर तू ना पुराओ तो तोहरो कहीं नैहर है, तोहरो नैहर बा। जौना तरसे अपना ननद के साथे कायम आओ तड़ तोहरो दशा उहे होई, पता कह लिया वो जुका होता। ध्यान से सुने, लड़किया अपना भैया के गोड़वा पकड़ के रोवे लागल। सगरी आर्य भरल पूरल पूरा परिवार लागता, परिवार लागता, एगो पापा के बिना, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता। सगरी भरल पूरल पूरा, सगरी भरल पूरल पूरा परिवार लागता, परिवार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता। केवल सुनाएंगे, पापा रहले महल के पाया, पापा रहले महल के पाया, पापा रहले महल के पाया, रखले हम दुनहुन पर दाया, रखले हम दुनहुन पर दाया। ए बहिनिया अपना भाई से कलच की, भैया एक घर में सब भरल बा, भौजाइयो बाड़ी तोहू बार, ना तो रिश्तेदार सब जुटल बड़े, लेकिन एगो पापा के नहीं रहला पर बुझाता घर में केहू है ये नहीं है। पापा रहले महल के पाया, पापा रहले महल के पाया, रखले हम दुनहुन पर दाया, रखले हम दुनहुन पर दाया, जितना नेह छाह सुकया टल उतना ले सबका के बांटल, छोटे छोटे लइका रोवे परिवार रोवेला, एगो पापा के बिना, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता, एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागता।
लगता सगरी भरल पूरल पूरा परिवार लगता परिवार लगता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लगता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लगता एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लगता। अगर गीत अच्छी लगी हो थोड़ा ताली बजा लो ना बरियारे।